हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे और स्टडी तो आप कर ही रहे होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज नुक्कड़ पर। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लाइट क्या होती है, शेडोज कैसे बनते हैं, रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारे घर में जो फैन चलता है, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, बल्ब जलता है, ये सारी चीज़ें किससे चल रही हैं? तो आप क्या बोलोगे कि मैम ये सारी चीज़ें तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। जब कभी बारिश होती है, जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा कि जो हमारा स्काई होता है, जो आसमान होता है, उसमें बिजली कड़कती है। तो हम क्या बोलते हैं, अरे बहुत तेज़ी से बिजली कड़क रही है। तो वो बिजली कड़कना क्या है? वो भी एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी ही है। हमारे घरों में जो लाइट जलती है, बल्ब जलता है, वो भी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। तो अब क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है और कहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी आती है, मतलब ये होती क्या है इलेक्ट्रिसिटी? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? अगर आपने इसके बारे में नहीं सोचा है तो अभी हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो लाइट होती है वो क्या है, एक तरह की एनर्जी है जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प करती है। सेम एज इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह की एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं हमारे घर में, उनको रन करवाने में, उनको चलाने में हेल्प करती है। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि टाइनी पार्टिकल्स के मूवमेंट से जनरेट होती है। इन टाइनी पार्टिकल्स को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन ऑल एटम्स। एटम्स क्या होता है? एटम दो तरह के पार्टिकल से मिलके बना होता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो सारी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बनी हुई हैं, यानी कि एटम से मिलके बनी हुई हैं। एंड दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो जो एटम होता है वो दो पार्टिकल से मिलके बना होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको हम ई नेगेटिव से डिनोट करते हैं और प्रोटॉन को पी पॉजिटिव से करते हैं। तो इन दो पार्टिकल से मिलके क्या बना होता है? हमारा एटम बना होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे क्रिएट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो जब इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ये मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट हुई? जब इलेक्ट्रॉन्स ने एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव किया तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुई। इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू वायर्स एंड ऑल द डिवाइसेस व्हिच रन बाय इलेक्ट्रिसिटी हैव एन इलेक्ट्रिक करंट। तो जितनी भी डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं उन सब के पास में क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट होती है जिसकी वजह से वो रन करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू फ्लो करती है? वायर्स के थ्रू। जो हमारे घर में वायर्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। तो देखिए, अभी हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे हुई? ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम एक यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो देखिए, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको क्या करना है? आपको एक बड़ा टब लेना है। ठीक है, ये एक बड़ा टब है, मान लो इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। अब इस पानी को आपको एक छोटे टब में डालना है, इसमें से कुछ पानी छोटे टब में डालना है। ये एक स्मॉल टब है और ये बिग टब है। अब इस बड़े टब में से छोटे टब में पानी डालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा? एक तो हमको वाटर होस चाहिए होगा, पाइप चाहिए होगा। ठीक है, एक हमको चाहिए होगा नजल और एक चाहिए होगा फॉसेट। ठीक है, ये जो टैप होता है उसको हम फॉसेट बोलते हैं, ये जो सामने ये लगा हुआ होता है इसको बोलते हैं नोजल और ये होता है वाटर होस। तो इस तरह से हमको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। अब इस बड़े टब में हमने इस पाइप को लगाया और इस फॉसेट को क्या कर दिया है? ऑन कर दिया है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे इसमें से पानी फ्लो होना स्टार्ट कर देगा इस तरह से। ठीक है, और ये पानी आके यहाँ से और इस छोटे वाले टब में हम
फिल कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम बड़े टब में से छोटे टब में पानी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब सेम एज इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क करती है, तो देखिए जैसा कि हमने बड़ा टब लिया था उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ था, ऐसे ही हमारा होता है इलेक्ट्रिसिटी सोर्स जहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब इस इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने उस फॉसेट को ऑन किया था ऐसे ही हम इस स्विच को यहाँ पे ऑन करेंगे। अब जैसे ही हम इस इलेक्ट्रिक स्विच को जोड़ेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से इस वायर में फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे। और हमने अभी पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है तो उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। जैसे कि वाटर होज में पानी फ्लो कर रहा था वैसे ही इलेक्ट्रिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक वायर में फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई जिसकी वजह से यहाँ पे जो ये बल्ब लगा हुआ है ये क्या करेगा, ये जल जाएगा यानी कि ये ब्राइट अप हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बल्ब कैसे जला, जब इस इलेक्ट्रिक वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुई वो इस बल्ब तक पहुंची और इस इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से ये बल्ब जल गया यानी ब्राइट अप हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से जनरेट हुई, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से। जब इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी, अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एनर्जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। आपको पता ही होगा कि आजकल जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें हर काम इलेक्ट्रिसिटी से होता है। छोटा सा छोटा अगर काम भी करना है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, जैसे कि बस ट्रेन है आजकल ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी यूज इट टू पावर अवर होम्स स्कूल्स बिजनेसेस एंड फैक्ट्री। जो फैक्ट्रीज होती हैं, बिजनेस होता है, स्कूल होता है, होम होता है, हर जगह हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। वी ऑल्सो यूज इट टू पावर अवर कार्स बसेज एंड ट्रेन्स। आजकल जो बसेज हैं कार्स हैं ट्रेन्स हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी अवर मॉडर्न वर्ल्ड वुड नॉट बी पॉसिबल। हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना पॉसिबल है ही नहीं। तो देखिए अभी इलेक्ट्रिसिटी के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर द थिंग्स दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर मेनी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दे ऑल वर्क इन द सेम बेसिक वे, दे मूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बहुत सारे सोर्सेज हैं लेकिन वो सेम तरीके से वर्क करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो जहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। बैटरीज, जो बैटरीज होती हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कई टाइप की बैटरी होती हैं, कुछ छोटी बैटरी होती हैं, कुछ बड़ी बैटरीज होती हैं, कुछ जैसे सेल टाइप ये भी एक बैटरी है। इस तरह की कुछ बैटरीज आपने डेली लाइफ में भी देखी होगी। ये क्या है, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सोलर पैनल्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, विंड टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हाइड्रो पावर प्लांट से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, यानी कि जो पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उनको हम बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, यानी कि बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बने हुए होते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी फिर हमारे घरों तक पहुँचती है। जियोथर्मल पावर प्लांट्स भी होते हैं, यानी कि जो हमारी जियोथर्मल एनर्जी होती है यानी कि हमारी जो ज़मीन होती है, जो लैंड होती है, जो हमारी अर्थ होती है उसके नीचे जो जियोथर्मल पावर होती है, जो जियोथर्मल एनर्जी होती है उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो स्टूडेंट ये थी इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरह से वर्क करता है।